स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुधवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की और अब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर गए थे। बता दें कि प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुने जाने के भी खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा जमाया हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोग रानिल के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर श्रीलंकाई सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय जो प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है खाली करवाया जा रहा है। सचिवालय को खाली कराने के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से खदेड़ा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि आर्मी और पुलिस ने सचिवालय को खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सचिवालय पर कब्जे का किसी को कोई अधिकार नहीं है। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक झड़प में 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इसके अलावा 9 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आज चुनाव का प्रमाण पत्र जारी करेगा। मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुई हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग को परिणाम सौंपने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र केंद्रीय गृह सचिव को भेजा जाएगा जो इसे भारत के 15वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पढ़ेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में होने की संभावना है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर एक तरफा मुकाबले में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। 25 जुलाई को फिर से सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि सोनिया से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से 25 से अधिक सवाल पूछे गए हैं जिसके बाद उन्होंने अपनी दवा का हवाला देते हुए घर जाने को कहा। वहीं कांग्रेस ने पूछताछ को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक ईडी ने कहा हमारे पास कोई सवाल नहीं है, आप जा सकती हैं। मगर सोनिया जी ने कहा कि आपके जितने सवाल हैं पूछिए, मैं रात 8-9 बजे तक रुकने को तैयार हूँ। जयराम का कहना है कि सोनिया ने पूछताछ खत्म करने के लिए निवेदन नहीं किया था। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।